देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले जमाई बन जाते तो 20-20 लाख रुपए से मैं क्यों बदमाश कहेंगे। ये लड़को ये बार बार ये भी चलती रहती हैं, गुस्सा आता है हमको, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, पर कितनी देर के लिए आता है, क्षण भर के लिए आता है, सेकंडों के लिए आता है, मिनटों के लिए आता है, ज़्यादा देर के लिए गुस्सा नहीं आता हमको। इसलिए हमारे जिंदा मरने की तो बात ये बात है कि अगर तुम्हें मरने की हो क्या गुरु जी मर जाए जल्दी तो फायदा ही है, तुम्हें से कौन कौन को लाभ है, सब हाथ उठा लो, हमको बहुत जल्दी लाभ है, तो हम कुंभ के मेले भी जाएंगे, उसको है शिव से अफसर उसका गाना अच्छा है, शिव से अफसर को चलेंगे गंगा जी नहाने के लिए, डूबकी मार देंगे फिर हो जाएगा कि गंगा जी में बह गए गुरु जी, और फिर जैसे किसी को कितने जमाई है हमारे, सात जमाई तो वो हैं जो कि स्त्री हैं हमारे। अच्छा और जो है मेरा टट्टी तुम सब तुम कौन है, जब जमाई हो तुम जमाई नहीं हो, तुम्हारे वो कौन होते हैं भांजे, तुम भांजे हो हमारे और जमाई है साथ, तो ये सातों के पास संपत्ति है और उसके पास संपत्ति है, जिस किसी को संपत्ति की पड़ी हो जल्दी तो भाई हम ये करें अभी, और तुम्हें ये ख्याल हो कि नहीं अभी गुरु जी की ज़रूरत है और अभी तो रहना चाहिए, हमारे बेखत 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 पर काम आएंगे, तो पर हमारा मन तो अभी यही है कि हम 100 वर्ष जिए, क्योंकि क्या है जीवे में सर्वसतम सुनयामा सर्वसतम, 100 वर्ष हम जीवें, 100 वर्ष की जीने की अगर हमारी इच्छा है तो कोई ज्ञान मुनासिब तो नहीं है, ज्ञान मुनासिब बहुत बता दें ना भाई, तो अपने जल्दी कर लेंगे, मरने में क्या देर लगती है, जीने में देर लगती है, मरने में तो कुछ देर नहीं लगती, इसीलिए जो ये है हमारे बारे में तो कुछ समझना मत, अभी हमने 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्से तुम्हारे तुम्हारा इसमें हिस्सा है 24 साल आदमियों का, क्यों तो हमने पानी लगाया है, हमने खाद लगाया है, सींचा है, उठाया है, तो जो इसका कुछ हो तो तुम ख्याल मत करना, फिर हम जिंदा है, और जो कहो कि तुम जिंदा नहीं लगे फिर कैसे मत करोगे हमारी, तो भी हिम्मत करेंगे हमारी, हमारा सूक्ष्म शरीर में 2 वर्ष में सिद्धि कोई और तो नहीं आई है, पर इतनी एक सिद्धि आपको बता सकते हैं कि जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरुजी से संपर्क मिलाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना, पेट खाली करने से क्या हो जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो कुछ था हमने निकाल दिया, सिर पर 10 बार हाथ कराना, ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए, ये रविवार का दिन करा तो आप ज़्यादा अच्छा, रविवार दिन मुझे सोचा कर रहा था, रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मान लेना, ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई टंकॉल बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई क्या नाम है ये जो होता है क्या कहते हैं ये वायरलेस इससे सस्ता मिल नहीं सकता, ये सबसे सस्ता है, अब आपको बार बार आने की जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जाएं भी आए भी तो इसका इनसे मिल जाना, माता जी और हम दो हैं नहीं दो नहीं मालूम पड़ता है, अर्ध नारी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आधे शंकर जी थे और पार्वती जी आधे थे, हम और दो का वास्तव में इसी तरह का हो गया, हम दोनों में भिन्नता रह गई है, नहीं भिन्नता नहीं, हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है, गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर लिया, माता जी को प्रणाम करना गुरु जी को प्रणाम करना है, गुरु जी को प्रणाम करना गायत्री माता को प्रणाम करना, सो आप ये मान के चल लेना अभी हम आपको प्रणाम करेंगे, नहीं बेटा आप क्या करोगे प्रणाम को, छुआ माता हमको छूने से अच्छे हम भंगी हैं, नहीं बेटा भंगी नहीं बच्चे हमारे, पर हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम सब लोग
यहाँ पकड़ोगे, यहाँ हाथ दोगे, यहाँ कमर दबाओगे, यहाँ करोगे, यहाँ यहाँ दबाओगे, तो फिर ज़रा हमने जो कमाया है उसमें दिक्कत पड़ेगी, उसमें कहीं कमी आ जाएगी। इसलिए छूने छाने का ज़्यादा प्रणाम करने का तो मतलब ना, वहीं से जो है जोड़ लेना हमको हाथ पर। संक्षेप में एक बात तो हम आपको ये कहने वाले थे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में खास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको सफाखाने पहुँचाएँगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे, और सबसे पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुँचाएँगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है, हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे उड़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने संभाला है होश, उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है आपको, गुरु जी से आपको लाभ ही लाभ सारी ज़िंदगी भर। ये लाभ का यकीन और आश्वासन आप में से हम हर आदमी को देते हैं, जितने भी आदमी खड़े हुए हैं यहाँ, जो हमारे या जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, दिमाग में ये कितने 24 लाख में नहीं, ये कहाँ 24,000 भी नहीं, तो बस इतने होंगे, इससे तो बड़ी संख्या है हमारी। तो वो हमने अपना आधा शरीर इनकी देखभाल के लिए रखा है, इनकी सुरक्षा के लिए रखा है, इनको ऊंचा उठाने के लिए रखा है, इनकी मुसीबत में सहायता करने के लिए रखा है, इनकी संपन्नता समृद्धि विद्या योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के लिए रखा है, इनको हर एक को रखा है। तो साहब उसकी आप क्यों करते हैं, वो जो था बच्चा, वो तो गाली दे रहा था, अरे गाली दे रहा था तो बच्चा ही था हमारा, कट खाया था उसने, आपको उठाया था, सो उठा करके ले के चल रहे थे, तो उसने काट खाया तो क्या, चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, समझाऊगा कि ये माँ का दूध है, इसलिए काट खाया बाबा, हमें क्यों काटेगा, हम सब गोदी में खिलाते हैं, ऐसे ही काट खाया बस, ये समझाऊगा कोई। इसीलिए एक व्याख्यान का आज का हमारा हिस्सा ये है, कोई भी किसी को भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं, किसी को भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये सन 2000 के सन है, इसमें अभी तो कोई ऐसी आपको मुसीबत भी नहीं है, लेकिन इस बीच में मुसीबतों के समय रहे हैं, आएंगे, विस्फोट भी आ सकते हैं, भूकंप भी आ सकते हैं, कोई जैसे 100 गांवों में ओला वर्षा हुई और बिजली गिरी है, क्या आदमी बिजली से मारे गए और क्या आदमी उससे हो गए, ये इंदौर में घटना हुई अभी कल परसों की बात, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में ना आए ऐसी बात नहीं, उसमें उसके लिए हमारी आपको सहायता, हमारी आपकी सेवा, हमारा आपको प्यार, हम जो कुछ भी हमारे पास पुण्य का संग्रह कुछ है तो हम आपको सहायता करेंगे। एक वचन ये देने आए हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को ऊँचा उठाएंगे। बच्चा होता है छोटा, मेला देखने का मन होता है कि हमको मेला दिखा दीजिए, मेला बेचारा बच्चा कैसे देखे, उसको पहले गोदी में उठाते हैं तो प्रभु कहता है मेला अभी तो नहीं दिखाई पड़ता हमको, अभी नहीं दिखाई पड़ता, तो कंधे पर बिठा लेते हैं, अरे साहब ये तो बच्चा है, इसे आप कंधे पर उठाते हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हैं और बच्चे को आप कंधे पर लगाए बैठा, ये हमारा बच्चा है, इसीलिए तुमको ऊँचा उठाएंगे। अपनी बराबर ऊंचा उठाने के लिए, अपनी बराबरी करने के लिए हमारे मन में बड़ी गुंजाइश है, हमारा कलेजा बड़ा चौड़ा है, क्या चीज़ चौड़ी आपकी, हमारा कलेजा जिसको हृदय कहते हैं, और बहुत चौड़ा है, सब चीज़ कम है, पाँव तो ऐसे ही अभी इसमें झुर्रियाँ पड़ी और तो कुछ नहीं देख पड़ा है, कहाँ हो गया है चेहरे में झुर्रियाँ, शीशा नहीं देगा, झुर्री पड़ेगी नहीं पड़ी, पड़ेगी चेहरे में कमी पड़ गई, पर एक चीज़ में कमी नहीं आएगी, खुराक में भी कमी हो गई, अभी उन्होंने 3 मुट्ठी चावल का उसका खिचड़ी का ससरा डाल दिया है तो पेट ने उसने ही अपने आप को सकोड़ लिया है और उसने में प्रसन्न हो जाता है, 24 घंटे काम दे जाता है। फिर आप फल खाते हैं, फलों का रस पीते हैं, अगले जन्म में पिए, अगले जन्म पहला भी लिया था तो जौ की रोटी हमने खाई थी, जो कि रोटी बेच रहे थे, थर्ड क्लास में सफ़र किए हमने,
सारी जिंदगी भर में दो ही आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी भर में सफर खटका चुकी है। गांधी जी ने जिंदगी भर में सफर खटका चुकी थी। लॉर्ड विलिंगडन था, लॉर्ड विलिंगडन ने एक बार उसी वहाँ के लिए बद्धा को खबर भेजी कि आप फौरन चले आइए, ये हवाई जहाज आ रहा है। उन्होंने कहा आप हवाई जहाज को ले आइए और हम अपने थटका के डिब्बे में आएंगे। थटका के डिब्बे में आए, कभी कोई मुसीबत आ गई होगी, भीड़ ज़्यादा हो गई होगी, किसी वक्त बैठ गए हों तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारी गलती और गुनाह करी, ये हमारी गलती और गुनाह। अगर हम थर्ड क्लास से ज़्यादा ऊंचे क्लास में चले, हम हमेशा थर्ड क्लास में चले, हमने हमेशा ये खादी पहनी है। आप हवाई जहाज में बैठे नहीं, एक बार देखा जरूर है अपने हवाई जहाज। भावनगर से वहाँ तक भाई तक भावनगर में एक सज्जन थे, उनका बेचारों का रेशम का थोड़ा सा काम था। वो यहाँ आए सबसे पहले हमारे यहाँ, और यमन जी के घर में रहते थे, तो उन्होंने दीक्षा भिक्षा ली, दीक्षा दे दी, हमने सौका दिया हमारे नोट, हमने के लिए अच्छा रहा सौका नोट का इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करेंगे। मंदी का जमाना है, ये आज से मैं कोई आपसे कोई 35 वर्ष पुरानी घटना कह रहा हूँ। मंदी का जमाना था तो पुराने कपड़ों की पुरानी धोती वगैरह जो मांगने आते हैं लोग जो बिक्री करने वाले, उसमें रुई भर के और सी करके बंडी बंडी कुर्ती बनाते थे, दो दो रुपये को आती थी, तो उसको संग ले के गए, उससे सौ रुपये हमने लिए, 100 रुपये उसके थे भी रखे, अभी 100 रुपये के वो लिए, वो क्या नाम है उसकी मंडी। तो हमने के लिए अब ये काम करो, 50 बंडी तुम अपने सिर पर रखो, 50 रखते हैं हम रुई की बंडी, 50 अपने सिर पर रखी और रुई की बंडी 50 उसके सिर पर रखी, 100 बंडियाँ रख करके फिर वहाँ से ले गए, वहाँ से ले गए और वहाँ जो कोड़ी बैठे थे, अंधे बैठे थे, भिखारी बैठे थे, एक एक करके बांटते हुए चले गए, और जब तक घर आए तब तक 100 की 100 बंडी बांट दी। फिर तो तुम्हें कुछ मिला, हमें मिला इतना प्यार जो आप लोगों की ओर से सब की ओर से बरसता है, सब की ओर से बरसता है, वो जो आपका आपका विश्वास जो हम पर हमेशा बरसता है। ऐसा कहाँ, यह हमारे एक लड़के की एक उस दिन था, उसकी नाक में बटन चला गया, नाक में बटन चला गया, निकाला तो वो नकौत ज़्यादा चला गया, आगे चला गया, दिमाग में आ गया क्या हो, बड़ी परेशानी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसके भीतर नाक में प्लास की बहुत छोटी सी उसकी नोक थी, उसकी प्लास डाल करके बटन को नीचे से निकाल के निकाला, निकाल तो आई, खून तो निकला काफ़ी, पर वो निकल गया बटन, कुछ हंसता नहीं। पैसे के संबंध में अगर कोई खाएगा कोई पैसा तो सड़ा सी हमारी जेब में गले बैठ डालेंगे और वहाँ से खींच लेंगे उसको, उसके पीछे से पेट में जान देंगे, पेट में नहीं जान सकते। किसी का दिया हुआ पैसा हमारे पेट में जा सकता है, जो कोई खाना चाहेगा पेट में से खींच लेंगे, आँतों समेत खींच लेंगे उसको, कोई पैसा नहीं खा सकता सुरक्षित। यह आपका प्यार और यह आपका विश्वास हमारे लिए इतनी कीमती चीज़ है कि जो रुपयों से ज़्यादा है, सोने से ज़्यादा है, चांदी से ज़्यादा है, हीरे से ज़्यादा है। और आचार्य निश की तरीके से आपके टोपे में हीरे लगे होते तो आप बड़े आदमी ना, हम बड़े आदमी क्योंकि हमारा जस बड़ा है। आचार्य रजनीश के टोपे में बड़े लगे हुए हैं, है ना, वो तो मिट्टी को कुछ ऐसी है बैठ क्या, उसमें से जितने हीरे जितने निकलते हैं बाबा जी सबके में से हीरे लग के निकलते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक बात तो ख़त्म करते हैं कि हम अगले 20 साल तक जिंदा रहेंगे, अगले 20 साल तक हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहेगा। हम 24 लाख बच्चों को जिनको पालन किया है, इनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे। इस जिम्मेदारी के निभाने में अगर कहीं कम पड़े तो आप ये समझना कि इस आदमी पर सामर्थ्य ही नहीं बेचारे, हमें पिताजी में पढ़ा दो, नहीं बेटा मैट्रिक तक पढ़ने के लायक गुंजाइश है हमारी, मैट्रिक तक पढ़ ले तो आगे कर लेना, अपना ये समझना गुंजाइश नहीं थी, बेईमान मत ठहराना ना हमको। ये मुसीबत के वक्त पर हमारी सहायता कर सकते थे और उन्होंने सहायता करने में किसी वजह से उपेक्षा दिखाई, जान पहचान कम है, घनिष्ठता कम है, इसलिए उपेक्षा दिखाई। घनिष्ठता तो हमारी से कोई भी ऐसा नहीं जिससे घनिष्ठता ना हो, घनिष्ठता से तो कम हमने सीखा ही नहीं है,
इसलिए एक व्याख्यान तो आप लोगों के लिए है कि हमारे और आपके प्रति कर्तव्य जो है उसको हमने पहले भी निभाया था, फिर आपको याद दिला दी है, और याद इसलिए दिला दी है कि इस समय हमारी सामर्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गई है। दो वर्ष हम बैठे रहे तो हमने घास नहीं खो दिए, दो वर्ष में हमने बेकार नहीं गंवाया है, दो वर्ष हमने ठीक इस्तेमाल किए, जैसे कि एक ब्राह्मण को करना चाहिए, और ब्राह्मण के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास संत की शक्ति है। संत बनने में तो बहुत देर है, अभी संत बनने में तो कितने जन्म लग गए और अभी भी कितने जन्म लगेंगे, जब हम कवि थे तो अभी हम ग्रस्त और संत बनाओगे बनेंगे, अब शायद अगले जन्म में कोई बन जाए तो बन जाए। इस जन्म में तो यही कुर्ता पहनेंगे, यही धोती पहनेंगे, माता जी भी यही धोती पहनेंगे, यही कुर्ता पहनेंगे और पत्नी समेत के रहेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बड़े कैसे हो जाओगे, नहीं हो जाएंगे, गृहस्थी बड़े हो जाते हैं। दो वर्ष में हमने कुछ खोया नहीं है, पाया है, खोया नहीं है। तो सवाल भी आप फले फूले हैं, सबको आपको फलाना फुलाना फलाना भी हमारा काम है, सबको आपको उठाना भी हमारा काम है। जो हमारा जो दो वर्ष खर्च हुए हैं इसमें से 50% इसके लिए सुरक्षित रखा है, 50%, और इससे आगे तो लोगों से मिलेंगे जरूर, पर 8,000 रुपये के किसी के पास होता है ना, कहना गुरु जी के पास मिला, हम सुना है कि कोई एक आदमी जो कहता पड़ता है कि गुरु जी के दर्शनों करता है जो 60,000 रुपये निकलता है, 8,000 किसी के पास हैं, कौन कौन के पास है, 60,000 सब हाथ उठाओ, 60,000 हमारे पास, सब 60,000 रुपये लेकर के आ जाना और हमारे सफारे पहुँच छूना, नहीं 60,000 के बाद भी मिलेंगे तो सभी से मिलेंगे, काले कुत्ते से भी मिलेंगे, बच्चे से भी मिलेंगे, नहीं मिल रहा होगा तो नहीं मिलते। इस तरीके से ये आती रही है बेचारी गुलू, क्या बार आती रही है मुंबई से, जब भी इसको आया है भागती हुई चली आई है, कभी कभी मिले तो से दो वर्ष में आज तक हुए तो 8,000 रुपये ला तो कर लेना दर्शन, हमारे पर 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, अब हमारा खुला खुला हुआ है रेट, जैसे सिनेमा का होता है ना रेट बालकनी का रेट होता है, ऐसे गुरु जी के दर्शन का 60,000 रुपये रेट है, जो कोई रेट खुला हुआ रेट है, जो कोई दर्शन करे भविष्य में 8,000 रुपये, और जो कोई गुरु जी की संपत्ति का इसमें पुण्य भी संपत्ति है हमारा, है ना, पुण्य संपत्ति है कि नहीं, केवल हमारे पास ये थोड़ी है कि ये कुर्ता ही संपत्ति है, टोपा ही संपत्ति है, नहीं टोपा की भी संपत्ति है, कुर्ता भी संपत्ति है, धोती भी संपत्ति है, चप्पलें भी संपत्ति हैं, संपत्ति है, और हमारा पुण्य भी संपत्ति है, तो वो आप किसे दोगे पुण्य को, अपने जमाई को देंगे, भाई को कौन कौन है, तीन तो बता दिए, सात और कहीं घूम रहे होंगे, कहीं हैं क्या जमाई, कोई इनमें मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन कौन है, कहीं कहीं बैठा था गश पा हुआ कोई ना कोई, है ना, तीन जमाई तो मेरे निगाह में थे, सात जमाई सात जीते, इसलिए सातों को तो मैंने अभी भी मनाया है, और जब मरोगे तब उस आदमी को दूंगा कि जो गांधी जी के तरीके से कि जो पैसा है, जो बेचारे थर्ड क्लास में चलते थे, सरकंडे की कलम से लिख लिखते थे, चटाई पर बैठ करके जमीन पर बैठते थे, मखमली के गलीचे पर चलते थे, नहीं मखमली गलीचे पर बैठ सकते थे गांधी जी, लेकिन चटाई पर बैठते थे, सरकंडे की कलम से लिखते थे, गेहूँ बीनते थे, और उनके संबंधियों में थे, उनकी बहन विधवा हो गई थी, तो विधवा बहन ने यह कहा कि हमारे लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर दो, तो उन्होंने कहा पैसे का इंतजाम ये कर देंगे कि तू और तेरी लड़की दोनों विधवा हो गई हो, तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ साबरमती आश्रम में रहो, चक्की पीस करके उसमें से इतना गुजारा हो जाएगा जिससे कि तुम दोनों का गुजारा हो सके, ये हो गया है। हम गांधी जी के आश्रम में रहे, गांधी जी के आश्रम में रहे, और आश्रम को रह के छोड़े आए, न्यारा बना लिया, नहीं न्यारा नहीं बनाया, ये भी गांधी जी का आश्रम है, हम भी गांधी जी का आश्रम,
अभी भी हम गांधी जी काम करते हैं। यहाँ जब आप आए हैं या जितने आदमी बैठे थे उतने ही आके बी एड के मेड के जिला शिक्षा अधिकारी ये सब पढ़ने के लिए आते थे और ऐसी भूल भूल प्रसन्नता करते गए हुए हैं कि हमने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा देखा है, साईं बाबा देखा है, पराना देखा है, ढिकाना देखा है, लेकिन हमने जगह देखी अगर एक ही व्यक्ति कहीं देखें तो यही देखें उनकी वीडियो के टैप के किए रखे हैं। शिक्षा मंत्री से लेकर सब आया और ये पढ़ाता कौन है, ये बच्चे पढ़ाते हैं, एक ये पढ़ाता है, एक वो पढ़ाता है, ये पढ़ाता है, और कहते यह है कि ऐसे अध्यापक हमने कभी सुने ही नहीं। एक बार छोटी छोटी लड़कियाँ भेजी थी हमने, छोटी छोटी लड़कियाँ सारे हिंदुस्तान भर में भेजी थी, कोई हमें से एक आदमी ऐसे कह रहा था तो मुझे लग गई कि हम तो व्याख्यान देने वाले हैं, बक्ता भी तेरी ऐसी बक्ता लड़कियाँ चला सही लड़कियाँ ऐसी माता जी ने बुला ली थी अनुष्ठान करने के लिए, पढ़ाने के लिए, कोई बेचारी क्या पढ़ रही थी, कोई नौवें में पढ़ रही थी, कोई छठे में पढ़ सबको बुला ली सुभागी में क्यों क्या बात है, मैं कि तुम्हें वक्ता बनाना, वक्ता हाँ वक्ता ही बनाना।